Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज जो नरेंद्र मोदी जी है उनका पुतला जलाया है कि देश का प्रधानमंत्री यदि इतना कमजोर होगा तो पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि कल हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए. भारत कभी भी इतना ताकतवर रहा पूरे विश्व के अंदर, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैंने सबसे जो हमारी विदेश नीति है, अलग अलग दोस्ती करते हैं विदेशों में जाकर के, पाकिस्तान में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर हाउदी मोदी के नाम से वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं. इसके बावजूद चाइना को अपना दोस्त बताता है, लेकिन जो कल 20 सैनिक शहीद हो गए इसको लेकर के पूरे यहाँ पर कांग्रेस जनों में आक्रोश है और पूरे देश के आम जनता में भी आक्रोश है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, हमें इसका बदला लेना चाहिए. ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा देश कभी कमज़ोर नहीं रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है इतने कमज़ोर, पहली बार हमें लगा आज़ादी के बाद में कि इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री आया, केवल झूठे भाषण दे रहा है और इस कोरोना महामारी के अंदर भी इनकी व्यवस्थाएँ पूरी तरह से फैल रही है. और आज जो कल की घटनाएँ हुई है चाइना में, इसको लेकर के बहुत आक्रोश है. इसी को लेकर आज ये जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, इसके बाहर यहाँ पर सभी कांग्रेस जनों ने उनका पुतला जला करके विरोध जताया और हम आक्रोश जताते हैं कि तुरंत प्रभाव से भारत को बदला लेना चाहिए. चाइना का पूरा देश इस घटना को लेकर के बहुत क्षुब्ध है, बहुत आक्रोश में है. जो चाइना ने बॉर्डर पर हरकत करी और हमारे निहत्थे सैनिकों को जिस तरह मारा, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है. और इस आक्रोश ही नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है कि मोदी सरकार हमारे 20 जवानों को बचा नहीं पाई और उन्होंने बिना बात के, बिना किसी युद्ध के अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी, जिसके लिए हम सब लोग उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बेईमान चाइना को, ऐसे धोखेबाज चाइना को कोई ऐसा अवसर नहीं दे कि जिससे वो अजमेर भारत में फले फूले. क्योंकि हमने इसका चाइना का इतिहास रहा है, ये हमेशा धोखा देता रहा देश को और चिकनी चुकड़ी बातें करता रहा. हमारे शहीद जो हुए हैं गिने जाने कितने, 20 तो बताइए सरकार, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब डर लगता है इस बात से कि सरकार को बात छुपा तो नहीं रही है. लेकिन हम सब कांग्रेस के लोग अजमेर के उनसे मांग करते हैं मोदी जी से कि चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको विश्व मंच पर ले जाया जाए और विश्व मंच में बहुमत अपना तैयार करें और विश्व मंच को बताए कि किस प्रकार हमने धोखा खाया है. एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चीन मेरा दोस्त, जापान मेरा दोस्त, अमेरिका मेरा दोस्त, रूस मेरा दोस्त, सब मेरे दोस्त, उसके बाद भी पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश हमें आके दिखाए, इससे आप कल्पना कर लो कि हम कहीं ना कहीं विदेश नीति में और हमारी सुरक्षा में कमज़ोर पड़ रहे हैं. तो हम ये मांग करते हैं कि सुरक्षा पुख्ता की जाए, भविष्य में इस प्रकार की हरकतें बॉर्डर पर नहीं हो और हमारे सैनिक बेवजह नहीं मारे जाए. हमारा देश का सैनिक शहीद होने को तैयार है. मैं उसके शहीद की बात नहीं करता, वो शहीद होने को तैयार है, लेकिन वो शहादत ऐसी तो हो कि हम उनसे मुकाबला करते हुए करें. जिस प्रकार से ये हुआ है, ये सब मैं भारत सरकार की कमजोरी मानता हूँ और उनकी जो एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी. इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ चीन बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो चीन मार रहा है. तो आज हमने ये पुतला जलाया है, ये पुतला जला के हमारा जो विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस जनों ने, मैं इनके साथ शामिल होकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और पुनः सरकार से मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ, चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.